हेलो दोस्तों, मैं रितु। मैं आज सर्दी जुकाम का घरेलू इलाज बताऊंगी, किस तरह से आप अपने घर के चीज़ों से अपने बच्चों को सर्दी जुकाम होने से बचा सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके चलिए मैं आपको बना के बताती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए सरसों का तेल, लहसुन, और ये मेथी दाने हैं, और ये है अजवाइन। सरसों का तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है, ये थोड़ा सा गरम हो जाता है। उसके बाद इसमें हम ये लहसुन के दाने डालेंगे। ये थोड़ा सा गरम हो चुका है। उसके बाद इसमें हम मेथी दाने डालेंगे। फिर अजवाइन डालेंगे। सरसों का तेल तासीर में बहुत गर्म होता है, इसलिए हमें बच्चों को सर्दियों में मालिश करना चाहिए। ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे। ये पकने लग गया है, लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे 15 से 20 मिनट। लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे। इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे जार में रख के हम 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। पूरे ठंडे होने के बाद ही हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों पे अप्लाई करने के बाद उसे 10 मिनट के लिए चादर में कवर करके रखें ताकि बच्चे गर्म रहे अच्छे से। थैंक यू दोस्तों।